Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Now today in this video, we will do the reading of the lesson number 6, Eklavya, and will understand the meaning of it. This is the story of a long gone era. There lived a boy named Eklavya. बहुत समय पहले की बात है, एकलव्य नाम का एक लड़का था. The son of a tribal chief in the forest of kingdom Hastinapur. Hastinapur राज्य के जंगलों में वहाँ की ट्राइबल चीफ मतलब जो वहाँ पे आदिवासी ट्राइब मतलब एक कम्युनिटी होती है जो वहाँ लोग रहते हैं उनके चीफ के बेटे का नाम क्या था एकलव्य. एकलव्य वॉज अ ब्रेव हैंडसम बॉय. वो बहुत बहादुर और दिखने में बहुत अच्छा था. ही वॉज लव्ड बाय ऑल बट ही वॉज नॉट हैप्पी एज ही हैड ओनली वन बर्निंग डिज़ायर टू बिकम अ डिसिपल ऑफ अ ग्रेट द्रोणाचार्य. उसे सब प्यार करते थे पर वो खुश नहीं रहता था. वन बर्निंग डिज़ायर मतलब उसको एक इच्छा थी एक चाहत थी मन में क्या बनने की डिसिपल. डिसिपल मतलब शिष्य बनने की किसका गुरु द्रोणाचार्य का. द ग्रेट मेंटर ऑफ आर्चरी इन हस्तिनापुर. जो हस्तिनापुर में आर्चरी आर्चरी मतलब जो तीर चलाने की कला होती है उसके वो टीचर थे और उनका बहुत बड़ा नाम था तीरंदाजी सिखाने में. हिज गुरुकुल वॉज अ मैजिकल प्लेस वेयर ऑर्डिनरी बॉयज वर टर्न इंटू माइटी वॉरियर्स. जो उनका गुरुकुल था अभी आप बोलेंगे कि गुरुकुल पहले के ज़माने में क्या होता था. गुरुकुल मतलब जहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी करने या कोई भी कला सीखने जाते थे वो वहीं अपने गुरु के साथ रहते थे इसीलिए उसे गुरुकुल बोला जाता था. तो जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उनका जो गुरुकुल है वो एक मैजिकल जगह थी क्योंकि वो इतने अच्छे टीचर थे मेंटर थे. वो आम बच्चों को एक बहुत बहादुर वॉरियर्स मतलब लड़ाकू या लड़ाई करने में निपुण बना देते थे. एकलव्यस फादर वॉज ट्रबल्ड फॉर ही न्यू दैट इज सन्स एम्बिशन वॉज नॉट एन ईजी वन. एकलव्य के फादर मुश्किल में थे क्योंकि उन्हें पता था कि उसके बेटे की एम्बिशन एम्बिशन का मतलब है कि जो वो डिज़ायर है उसको कुछ करने की एक बहुत बड़ा आर्चर मतलब तीर अंदाज बनने की वो ईजी बात नहीं है आसान काम नहीं है. बट द चीफ वॉज अ लविंग फादर एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू रिफ्यूज़ हिज ओनली सन्स विश. पर जैसे कि वो चीफ एकलव्य के फादर हैं जो वो बहुत अच्छे इंसान थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपने बेटे की इच्छा को मना करें. तो द काइंड मैन गेव हिज ब्लेसिंग्स एंड सेंट हिज सन ऑन हिज वे टू द्रोणाचार्यस गुरुकुल. फिर एकलव्य के फादर ने उसको आशीर्वाद दिया और द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेजने का बंदोबस्त किया. एकलव्य सेंट ऑन हिज वे. एकलव्य गुरुकुल की तरफ जा रहा था. सून ही रीच द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द्रोणाचार्य टॉट द प्रिंसेस ऑफ हस्तिनापुर. जल्दी ही जंगल के वो एरिया में हिस्से में पहुंचा जहां द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को तीर चलाना सिखा रहे थे. आपको पता है बच्चों हस्तिनापुर में कौरव और पांडव रहते थे. पांच पांडव अर्जुन युधिष्ठिर नकुल भीम सहदेव और कौरव भी थे. तो वो हस्तिनापुर के राजकुमारों को आर्चरी सिखाते थे. When the boy reached द्रोणाचार्यस गुरुकुल, he saw that the disciples were practicing shooting arrows with their bows in the yard. उन्होंने देखा कि जो शिष्य हैं सब प्रैक्टिस कर रहे हैं तीर चलाने की. It was an engaging sight, मतलब वो देखने लायक नज़ारा था बहुत खूबसूरत नज़ारा था. But एकलव्यस आईज लुक्ड फॉर द्रोणाचार्य.
पर एकलव्य की आंखें हमेशा किसको ढूंढती थी? द्रोणाचार्य को. ही स्पॉटेड हिम नियर अ ट्री बिजी इंस्ट्रक्टिंग अ बॉय. उसने देखा, स्पॉट मतलब उसे ढूंढ लिया गुरु द्रोणाचार्य को. उसने देखा कि वो एक पेड़ के वहाँ पे बिजी थे, इंस्ट्रक्शन दे रहे थे एक लड़के को कि कैसे बच्चे तीर चला रहे थे. हु वॉज नन एल्स देन द थर्ड पांडवा प्रिंस अर्जुना. और उनमें से, उन बच्चों में से एक कौन था? तीसरा नंबर राजकुमार अर्जुन. एज एकलव्य केम टू नो लेटर. और ये उसे बाद में पता चला कि उन लड़कों में से था लड़का राजकुमार अर्जुन था. ही वेंट नियर द्रोणाचार्य एंड बाउड. वो द्रोणाचार्य के पास गया एंड झुककर प्रणाम किया. द सेज वॉज सरप्राइज टू सी अ स्ट्रेंज बॉय एड्रेसिंग हिम. हु आर यू? ही आस्क्ड. द सेज, सेज यहाँ पे द्रोणाचार्य के लिए बोला गया है. द्रोणाचार्य अपने पास एक अजनबी लड़के को देख के हैरान हुए. उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? ही आस्क द्रोणाचार्य, आई एम एकलव्य, सन ऑफ द ट्राइबल चीफ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हस्तिनापुर. मैं हस्तिनापुर के जंगलों में जो ट्राइबल चीफ हैं, मैं उनका बेटा एकलव्य हूँ. एकलव्य रिप्लाइड, प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसिपल एंड टीच मी द वंडरफुल आर्ट ऑफ आर्चरी. एकलव्य ने रिप्लाई किया, मतलब जवाब दिया कि आप मुझे अपना शिष्य कबूल कीजिए और मुझे जो आप बहुत खूबसूरती से तीर चलाना, आर्चरी मतलब तीर चलाना सिखाते हैं, वो कला मुझे सिखाइए. द्रोणाचार्य साइड, एकलव्य सेड ही, इफ यू आर अ ट्राइबल हंटर यू मस्ट बी अ शूद्र द लोवेस्ट सोशल कम्युनिटी. द्रोणाचार्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, एकलव्य तुम अगर ट्राइबल मतलब आदिवासी शिकारी हो तो तुम शूद्र जाति के कहलाते हो जो सबसे कम में गिनी जाती है. आई एम अ ब्राह्मिन द हाइएस्ट कास्ट इन द किंगडम. आई कैन नॉट टीच अ शूद्र बॉय. उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ जो इस राज्य में सबसे उच्च जाति का कहलाता हूँ और मैं एक शूद्र लड़के को नहीं सिखा सकता. ही इज़ अ रॉयल टीचर, इंटरप्टेड प्रिंस अर्जुना. प्रिंस अर्जुना ने द्रोणाचार्य की बात को बीच में काटते हुए बोला कि ये रॉयल टीचर है. रॉयल का मतलब है कि वो टीचर जो राजा और रानियों के फैमिली मेंबर्स के बच्चों को सिखाते हैं. अवर गुरु हैज़ बिन अपॉइंटेड बाय द किंग टू ट्रेन अस द प्रिंसेस. हमारे गुरु को अपॉइंट किया गया है राजा द्वारा जो सिर्फ राजकुमारों को सिखाते हैं. अर्जुन के कहने का मतलब था जो हस्तिनापुर के राजा हैं उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपॉइंट किया है हस्तिनापुर के राजकुमारों को सिखाने के लिए. हाउ डेयर यू कम इनसाइड द गुरुकुल. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरुकुल में अंदर आने की. एंड सीक हिम, लीव नाउ. ही स्पैट आउट द एकलव्य हैड डिस्टर्ब्ड हिज प्रैक्टिस. अर्जुन ने उसे बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरुकुल में आने की और इनसे शिक्षा लेने की, अभी के अभी आप बाहर चले जाओ. एकलव्य हैड डिस्टर्ब्ड हिज प्रैक्टिस. एकलव्य ने क्योंकि उसकी प्रैक्टिस डिस्टर्ब की थी. द इनोसेंट ट्राइबल बॉय वॉज डीपली हर्ट. इनोसेंट ट्राइबल बॉय मतलब यहाँ पे एकलव्य की बात हुई है, उसे काफ़ी दुख हुआ. इट्स नॉट फेयर, ये सही बात नहीं है. ही थॉट मिजरेबली, उसे मन में बहुत दुखी होकर ये सोचा कि ये बात सही नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो मुझे नहीं सिखा सकते. गॉड हैज़ गिवन नॉलेज टू ऑल. भगवान ने सबको नॉलेज दिया है. बट मैन अलोन डिफ्रेंशिएट हिज काइंड. पर जो लोगों में और जातियों में भेदभाव होता है वो कौन करता है? इंसान. ही लेफ्ट द प्लेस विथ अ ब्रोकन हार्ट. एकलव्य वही टाइम पे वो जगह छोड़कर चला गया, ब्रोकन हार्ट मतलब बहुत दुखी होकर. बट इट कुड नॉट शैटर हिज एम्बिशन टू लर्न आर्चरी. बट ये बात शैटर, शैटर का मतलब होता है कि उसे तोड़ नहीं पाई कि तुम तीरंदाजी नहीं सीख सकते.
ही वॉज स्टिल एज डिटरमाइंड टू लर्न आर्चरी. वो अभी भी बहुत डिटरमाइंड था. डिटरमाइंड मतलब जो उसने सोचा था वो कर दिखाने के लिए. आई मे बी अ शूद्र बट डज इट मेक एनी डिफरेंस. मैं शूद्र हूँ क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है. थॉट ही उसने मन में सोचा क्या मैं शूद्र हूँ इसकी वजह से मैं तीर नहीं चला सकता क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा. इफ़ आई प्रैक्टिस एवरी डे आई कैन श्योरली बिकम एन आर्चर. अगर मैं रोज प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं बहुत बड़ा तीर अंदाज या तीर चलाने वाला बन जाऊँगा. आर्चर का मतलब यही होता है. Now students, read this part of lesson thoroughly. In the next video, we will continue the reading of the lesson. Till then, bye-bye, take care.